राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सियासी लड़ाई खत्म हो चुकी है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सुलह होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बना दिया। राजस्थान की धरती पर रविवार को कदम रखते हुए अजय माकन ने अपने बयान से बिना किसी का नाम लेकर वफादारी निभाने वाले विधायकों की जमकर तारीफ की। लेकिन अजय माकन ने राजस्थान से बाहर जाने वाले पायलट खेमे के विधायकों का अपने भाषण में जिक्र नहीं किया। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में अब वफादारों को तवज्जो मिलेगी और उन्हें इसका प्रतिफल भी मिलेगा। दरअसल अजय माकन ने अलवर के शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन राजस्थान ने कम से कम 102 विधायकों ने यह साबित कर दिया कि उन्हें कितना धन बल का लालच दिया जाए, वे कभी नहीं झुकेंगे। राजस्थान में ईडी सीबीआई दौलत का लालच दिया गया, लेकिन 102 विधायकों ने बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। माकन ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक, एमपी सहित अन्य राज्यों में धन बल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकार गिराकर सत्ता हथियाई है, लेकिन राजस्थान में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान प्रभारी बनाए गए अजय माकन ने इस भाषण से राजनीति विश्लेषक इसको बगावती खेमे के लिए सीधा पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से संदेश के रूप में मान रहे हैं। माकन ने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने वाले 102 विधायकों का अपने बयान में जिक्र किया है, जबकि पायलट गुट के विधायकों का जिक्र नहीं किया। पार्टी के राजस्थान में संख्या बल 125 होने के बावजूद उन्होंने केवल 102 विधायकों का जिक्र कर बगावती खेमे को इशारों में ही संकेत दे दिया है कि उनकी वफादारी पर सवाल खड़ा हुआ था। इससे पार्टी की किरकिरी हुई है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।